हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंजीत, आज आप लोगों को मैं चिकन पकोड़ा का रेसिपी बताने वाला हूं। सो आइए मेरा वीडियो शुरू करते हैं। सो इस पकोड़ा का रेसिपी के लिए हम लोग को यहां पे चाहिए होगा चिकन, जो कि मैंने 1 किलो चिकन काट लिया है इस तरीके से। उसमें आपको गरम मसाला चाहिए, चिकन मसाला चाहिए। मसाला को हम लोग पीस लेंगे। आपको चाहिएगा रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। सो हम लोग चिकन को इस तरह से बॉल में हम लोग मसाला के साथ मिक्सिंग करके हम लोग ने 2 घंटे के लिए हमको मैरिनेट करना है। उसके बाद हम लोग ने एक पैन पे हमको चाहिए होगा ऑयल, हम लोग को डीप फ्राई करना है। ऑयल से हम लोग डीप फ्राई करेंगे। सो हम लोग ने यहाँ पे पैन पे ऑयल डाल लिया और हम लोग ने ऑयल को गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से चिकन जो है वो बाहर से पूरा पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। सो हम लोग को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है और हम लोग का जो चिकन है उसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर मिक्सिंग करेंगे, जो हम लोग ने मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे के लिए। वो चिकन हम लोग ने निकाल लिया और यहाँ पे हम लोग कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का तेल गर्म हो रहा है। सो आपको कॉर्नफ्लावर के साथ जो चिकन है मिक्सिंग करना है अच्छे से। हम लोग इस तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। आप अपना हाथ से या तो एक स्पून से आप लोग ये मिक्सिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि चिकन जो है हम लोग कैसे मिक्सिंग कर रहे हैं और यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया ऑलमोस्ट। सो हम लोग का चिकन पकोड़ा फ्राई करने के लिए तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। सो हम लोग ने अभी यहाँ पे चिकन का एक एक पीस करके हम लोग ने गरम तेल में फ्राई करना है। सो हम लोग स्पून से ज़्यादा हाथ से अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं इसको। स्पून से हाथ में मिक्सिंग करने से अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने यहाँ पे फ्राई करेंगे। सो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे हम लोग एक एक चिकन पीस डालेंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से पकाइए कि अंदर से भी पूरा पक जाए। बाहर से तो पकेगा ही, ज़्यादा फ्लेम होने से, ज़्यादा हीट होने से ये बाहर से पूरा पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। सो जो पीसेस है उसको आप मीडियम फ्लेम पे ही पक। सो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और कुछ कमी हो तो बताइए कमेंट करके, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बाय बाय। सो प्लीज़ ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए घर में। थैंक यू सो मच। बाय।